हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे इजी एंड क्विक रेस्टोरेंट स्टाइल सेजवान पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पैन में सरसों का तेल ऐड करना है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है, आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद तड़का ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी और 1 जावित्री ऐड कर दिया है। और गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर इसमें 2 प्याज ऐड करना है। 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कट करके मैंने लिए हैं। प्याज को ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है और फिर प्याज को थोड़ी देर सोटे कर लेना है। और सब्जी में नमक थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि आगे मैं इसमें सेजवान चटनी ऐड करूंगी जिसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो ये देखिए, प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 3 स्मॉल साइज के टमाटर बारीक कट करके लिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद कुछ मसाले भी इसमें ऐड करना है, हल्दी, धनिया, जीरा और लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं 1/2 टीस्पून। और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हैं। और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है। सारे मसाले को ऐड करने के बाद 1 मिनट तक सोटे करना है और फिर मैं इसमें सेजवान चटनी ऐड करूंगी। तो आप किसी भी कंपनी का सेजवान चटनी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने 3 टीस्पून सेजवान चटनी ऐड कर दिए हैं। ये पनीर की इजी एंड क्विक रेसिपी है जो खाने में बहुत ही मजे की लगती है। इसे आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, लंच, डिनर, कभी भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 3 टीस्पून सेजवान चटनी ऐड कर दिया है और एक बार मिक्स कर लेना है। फिर धीमी आंच पे टमाटर के अच्छी तरह से गलने तक पका लेना है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि सब्जी पैन से न लगे। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा फिर इसमें पनीर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स पनीर को क्यूब्स में कट करके लिए हैं। पनीर ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। फिर इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिए हैं, 1 छोटा सा हरी शिमला मिर्च, 1/2 लाल शिमला मिर्च, 1/2 येलो शिमला मिर्च। सारे सब्जी को मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं, ऐड कर देना है। सारे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। फिर ढक के इसको थोड़ी देर पकाना है। ओवर कुक नहीं करना है, सब्जी थोड़ा सा क्रंची ही रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। तो ये देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। और गरम मसाला पाउडर होममेड है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। अब ढक के इसको थोड़ी देर पका लेना है। तो मैं सब्जी को ढक दूंगी और स्लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लूंगी। तकरीबन 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सब्जी को पकाने के बाद ये देखिए, सब्जी बिल्कुल डन है। प्याज और शिमला मिर्च दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रंची भी है। तो अब मैं इसको डिसआउट कर लूंगी। अगर आप सबको मेरी ये इजी एंड क्विक पनीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।